मैं मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला बोल रहा हूँ। मेरे नरसिंहपुर का पुराना नाम गडरिया खेड़ा था। मेरा नरसिंहपुर सैकड़ों साल पहले गडरिया खेड़ा के नाम से जाना जाता था। सैकड़ों साल पहले जमींदारों ने यहाँ भगवान नरसिंह का मंदिर बनवाया, तब इस क्षेत्र का नाम नरसिंहपुर हो गया। मेरे अंदर निवास करने वाले लोग बहुत ही भाग्यशाली है। दोस्तों, वीडियो अगर आप एमपी से देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे अंदर प्रसिद्ध घूमने की जगह राजराजेश्वरी मंदिर नरसिंहपुर। राजराजेश्वरी मंदिर नरसिंहपुर में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ पर आप माँ राजेश्वरी के दर्शन कर सकते हो। इस मंदिर में नरसिंहपुर के गोटे गांव में स्थित है। यह मंदिर बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको मंदिर जिसके आसपास का दर्शन भी आप कर सकते हो। मंदिर में साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है। इस मंदिर की छत आपको कमल के फूलों की नक्काशी के साथ देखने को मिलेगी। श्री बाबाजी धाम और श्री सत्य सरोवर नरसिंहपुर। श्री बाबाजी धाम नरसिंहपुर में स्थित एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर आकर आपको एक तालाब देखने को मिलता है। इस तालाब के बीचों बीच आपको एक टापू बनाया गया है। आप उस टापू में जा सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी मछलियां आपको देखने को मिलेगी। आप इन मछलियों को दाना भी डाल सकते हो। यहाँ पर आपको मंदिर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर भगवान शिव जी का बहुत बड़ा आकर्षक प्रतिमा भी देखने को मिलेगी, जो आप घूमने के लिए यहाँ पर आ सकते हो। डमरू घाटी नरसिंहपुर। डमरू घाटी नरसिंहपुर में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर शिव जी को समर्पित है। मंदिर में शिव जी भगवान का बहुत ही आकर्षक प्रतिमा देखने को मिलती है। यह शिवलिंग बहुत बड़े आकार में है। डमरू घाटी नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में पास स्थित है। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हो। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा सरोवर भी देखने को मिलता है। इस मंदिर में शिवलिंग की ऊंचाई 19 फीट है। यह मध्य प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा शिवलिंग है। आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हो। नरसिंहपुर मंदिर। नरसिंहपुर मंदिर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार इस मंदिर में आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ही काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर भीड़ रहती है लोगों की। यह मंदिर बहुत प्राचीन है। नरसिंहपुर जिले का नाम नरसिंह है मंदिर के नाम पर ही रखा गया। इस मंदिर के पास ही आपको एक तालाब देखने को मिलेगा, नरसिंह तालाब। उसे नरसिंह तालाब के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के नीचे आपको एक सुरंग भी देखने को मिलेगी, जो यहाँ के राजा महल तक जाती है। यह सुरंग अब बंद कर दी गई है। आप इस मंदिर में घूमने के लिए आ सकते हो। श्री मर्गनाथ धाम नरसिंहपुर। श्री मर्गनाथ धाम नरसिंहपुर में स्थित एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आपको मर्गनाथ धाम के मंदिर के दर्शन करने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक गुफा भी देखने को मिलेगी, जो मर्गनाथ जी को समर्पित है। यहाँ पर आपको एक प्राकृतिक अनोखा दृश्य भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आप ट्रेकिंग करके आना पड़ता है। यह जगह नरसिंहपुर के छिराई में स्थित है। रानी दहारा नरसिंहपुर। रानी दहारा नरसिंहपुर में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ आपको शिव के मंदिर देखने को मिलेगा। यहाँ पर शिव और पार्वती का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पर आपको पहाड़, नदियां, खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। यह जगह जबलपुर का भेड़ घाट भी कहा जाता है। इस जगह आप घूमने के लिए आ सकते हो। यह जगह नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा के पास स्थित है। श्री दादा दरबार नरसिंहपुर। श्री दादा दरबार नरसिंहपुर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर पूरे नरसिंहपुर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर जबलपुर भोपाल हाईवे रोड पर स्थित है। आप इस मंदिर में घूमने के लिए आ सकते हो। यह मंदिर बहुत सुंदर है। टोन घाट नरसिंहपुर। टोन घाट नरसिंहपुर का एक पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आपको एक झरना देखने को मिलता है। यह झरना बहुत ही सुंदर है। इस जगह को एक छोटा धुआंधार भी कहा जाता है। यह जगह नरसिंहपुर के बेलखेड़ी में स्थित है। टोन घाट शेर नदी पर बना हुआ है। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हो। चोरागढ़ का किला नरसिंहपुर। चोरागढ़ का किला नरसिंहपुर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर आपको एक प्राचीन किला देखने को मिलता है। यह किला जंगल के बीचों बीच स्थित है। यह किला खंडहर अवस्था में मौजूद है। आप इस किले को देखने के लिए आ सकते हो। बरसात के समय यहाँ पर आकर आपको प्रकृति परिदृश्य का आनंद ले सकते हो। यहाँ पर आपको एक तालाब भी देखने को मिलता है, जिसे रेवा कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्राचीन मंदिर भी देखने को मिलता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसे विष्णु भगवान को नरसिंह अवतार की प्रतिमा विराजमान है। यह किला नरसिंहपुर में गाडरवाड़ा में स्थित है। इस किले का निर्माण गौंड राजा संग्राम सिंह ने करवाया था। इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। इस किले में आप घूमने के लिए आ सकते हो। पटेहरा का किला नरसिंहपुर। पटेहरा का किला नरसिंहपुर का एक ऐतिहासिक स्थल है। यह एक प्राचीन किला है। यह किला खंडहर अवस्था में मौजूद है।
इस किले का निर्माण गोंड राजा बलवंत सिंह ने करवाया था। यह किला 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य बनवाया गया था। यह किला नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है। आप इस किले में आकर घूम सकते हो। मिनी धुआंधार जलप्रपात नरसिंहपुर। मिनी धुआंधार जलप्रपात नरसिंहपुर में स्थित एक प्रमुख जगह है। यह जगह नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ पर आपको नर्मदा नदी का एक छोटा सा झरना देखने को मिलता है। यह झरना बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हो। तो दोस्तों, मेरे बारे में आपको जानकारी कैसे लगी? अगर जानकारी पसंद आई तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे बढ़ सकूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।